दोस्तों टीम इंडिया ने 2021 का अंत जीत के साथ किया था, लेकिन 2022 की शुरुआत हार से हुई। जिस जोहानिसबर्ग में भारत कभी टेस्ट में नहीं हारा था, उसी मैदान पर दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत इस टेस्ट की दोनों पारियों में बड़ा स्कोर नहीं बना पाया और यही टीम की हार की वजह बनी। दूसरी पारी में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दे तो कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिक नहीं पाया। जब ऋषभ पंत से समझदारी भरी पारी की उम्मीद थी तो उन्होंने भी एक खराब शॉट खेलकर अपना विकेट तोहफे में दे दिया। अब टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने भी साफ कर दिया है कि पंत का शॉट सिलेक्शन बेहद खराब था। दोस्तों जब जोहानिसबर्ग टेस्ट के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने उतरे तो भारत 163 रन पर 4 विकेट गंवा चुका था। चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे की जोड़ी टूट चुकी थी और भारत को एक छोटी सी साझेदारी की जरूरत थी। पंत नए नए क्रीज पर आए थे, लेकिन उन्होंने कैगिसो रबाडा की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया। वो खाता भी नहीं खोल पाए। इस मौके पर अगर पंत 20-25 रन की पारी भी खेलते तो भारत मजबूत स्थिति में पहुंच जाता, लेकिन उन्होंने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर मैच में दक्षिण अफ्रीका को वापस आने का मौका दे दिया और यही टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। वही कोच राहुल द्रविड़ ने भी मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम जानते हैं कि ऋषभ पंत सकारात्मक खेलता है और वह एक खास तरीके से बल्लेबाजी करता है और हाल के दिनों में इस तरह से बल्लेबाजी कर पंत को थोड़ी सफलता भी मिली है। द्रविड़ ने कहा, कोई भी ऋषभ पंत को यह कहने नहीं जा रहा है कि आप पॉजिटिव या आक्रामक प्लेयर न रहें, लेकिन कभी कभी ऐसा करने के लिए समय भी देखना पड़ता है। मेरा मानना है कि जब आप मैदान पर नए नए आए हैं तो थोड़ा वक्त बिताना ज्यादा सही होता है, लेकिन अंत में हम जानते हैं कि हमें ऋषभ पंत के साथ क्या मिल रहा है। वह वास्तव में सकारात्मक खिलाड़ी हैं। वह ऐसा बल्लेबाज है जो हमारे लिए बहुत जल्दी मैच का पासा पलट सकता है, लेकिन उन्हें मैच के हालात के अनुसार बल्लेबाजी करनी चाहिए। दोस्तों द्रविड़ ने साफ कह दिया है कि पंत को अब ऐसे गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलने की जरूरत नहीं है, उन्हें मैच के अनुसार ही बल्लेबाजी करनी होगी, खासकर टेस्ट मैचों में।